हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम डोनट्स बनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। डोनट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 कप जैसा मैदा लिया है। इसमें यहाँ 4 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल, 4 से 5 टेबल स्पून दूध है, ये 4 टेबल स्पून पिसा हुआ चीनी और 1 पिंच नमक, 1/2 टीस्पून ईस्ट है। ईस्ट को डाल देंगे मैदा में, 1/2 पिंच नमक है वो भी मिक्स कर देंगे इसमें, चीनी भी पिसा हुआ चीनी है, चीनी का पाउडर, और ये हल्का वार्म दूध है। इन सबको मिला लेंगे अच्छे से। अब ऑयल भी डाल देंगे, मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको। ये देखिए आटा को मैंने गूंध लिया है, अब इसमें 1/2 टीस्पून ऑयल डाल के अच्छे से मिला लेंगे। इस पर 1/2 टीस्पून और ऑयल लगा के इसको 3 से 4 घंटे के लिए, इसे फर्मेंट होने के लिए हम रख देंगे ढक के, ताकि अच्छे से फर्मेंट हो जाए। ये देखिए हमारा आटा फर्मेंट हो गया है। सर्दियों में ये थोड़ा फर्मेंट होने में टाइम लगाता है, गर्मियों में बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है। इसको अच्छे से मिला लिया है यहाँ मैंने, अब इसको छोटे छोटे लोई में कट कर लेंगे। ये देखिए अब इसको अच्छे से मिला के पेड़ा जैसा बना लेंगे। इसका साइज़ छोटा या मीडियम साइज़ का कर सकते हैं, मैंने यहाँ मीडियम साइज़ का किया है। और ऐसे हथेलियों से इसको दबा देंगे। मैंने यहाँ ये मेडिसिन का ये कैप है प्लास्टिक वाली, इसको बीच में कट करने के लिए लिया है। ये देखिए इससे बहुत अच्छा से ये कट हो जाता है विदाउट सांचा का। ये देखिए बिल्कुल डोनट्स का शेप आया है। तो इस तरीके से सारे जो आटा के लोई हैं सबको हमें ऐसे ही कट कर लेना है एक एक करके, और ये बहुत आराम से कट जाता है। ये देखिए बिल्कुल बीच का वो निकल जाता है, डोनट्स जैसे शेप आ जाते हैं। ये देखिए अब यहाँ 1 घंटे के लिए इसको कपड़े से ढक के रख देंगे, ताकि ये थोड़ा Little longer than a few minutes later. फूल जाए। ये देखिए यहाँ हमारा डोनट्स तैयार हो गया है। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ फ्राई के लिए मैंने ऑयल ले लिया है 1 कप जैसा। फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है, तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे लो फ्लेम में, और एक एक करके हम डोनट्स इसमें डाल देंगे। ये देखिए
बिल्कुल हल्का हमें इसे गोल्डन करना है ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाए। और इसको बीच में पलट देंगे। ये देखिए हमारा हल्का गोल्डन कलर का हो गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे। एक एक करके निकाल लेंगे। मैंने फ्लेम यहाँ बंद कर दिया है, इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएं ताकि अंदर तक आराम से पके। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। अब यहाँ मैंने एक गिलास पानी जैस लिया है। अब इसमें एक चॉकलेट का पैकेट लिया है, डेरी मिल्क चॉकलेट है। इसको मेल्ट कर लेंगे। आप यहाँ चाहे तो डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ डेरी मिल्क चॉकलेट लिया है। गरम करके मेल्ट कर लिया है इसे। अब एक एक करके इसमें हम डोनट को डिप करेंगे। ये देखिए अच्छे से लगा देंगे ताकि डोनट्स के ऊपर साइड में ये चॉकलेट पूरा कोट हो जाए। डोनट्स बच्चों को हम बहुत पसंद आता है और ये बहुत अच्छा लगता भी है खाने में। देखिए एक एक करके सारे डोनट्स को हम चॉकलेट में डिप कर लेंगे। इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ चीनी लिया है, इसको डोनट्स के ऊपर मैंने दो में पाउडर शुगर डाला है। ये स्प्रिंकल आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा ग्रॉसरी के शॉप पे, तो मैंने रेनबो स्प्रिंकल लिया है। दो में मैंने स्प्रिंकल डाला है और दो को मैं प्लेन ही रख रही हूँ यहाँ पे। तो तीन अलग अलग कलर के हमारे डोनट्स तैयार हो गए हैं। तो इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बना है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।